के साथ गंगूबाई की थी, पद्मावत की थी। इट्स अ हैट्रिक फॉर यू हाँ, दिस। सर की पूरी टीम खड़ी है वहां पर और सर बोलते हैं कि ही इज माई लक्की चार्म। नमस्कार, वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। हाउ आर यू सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, आप मैं ठीक कैसे? हूँ। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हीरा मंडी। हाउ डिड यू गेट इनटू हीरा मंडी? कैसे आपको अप्रोच किया गया फॉर दिस? हाँ, ये बड़ा सही सवाल है और इसका जवाब बड़ा अद्भुत है। जिसकी कल था रात को 8 बजे एक फोन आया अचानक से, और उस फोन पे पूछा गया कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। मैंने कहा अभी कुछ खास कर नहीं, तो बताया गया कि हम SLB से बोल रहे हैं और जस्ट पता करना था कि आप क्या कर रहे हैं, तो कल से यदि हम शूट करेंगे तो आप फ्री हैं? तो मैंने कहा जी मैं फ्री हूँ। तो उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद एक फोन दूसरा आया कास्टिंग टीम की तरफ से, उन्होंने कहा कि सर एक फोन आया होगा ऊपर से आपको, तो क्या आप वो फ्री हैं? मैंने कहा हाँ मैं फ्री हूँ, तो एक ऑडिशन आप 10 मिनट में भेज सकते हैं? तो मैंने कहा जी भेज सकता हूँ। और मैंने बोले कि ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी की चीज हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, तो वो मैंने भेज दिया। उसके बाद जो है कोई फोन नहीं आया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, मुझे लगा कि कल शूट है तो आज फोन आ जाना चाहिए था, अभी तक 11 बज गए हैं रात के, तो कोई फोन आया नहीं। तो क्योंकि मैं एक एक्टर हूं तो मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है, तो मैंने फोन किया प्रोडक्शन टीम को कि आपने मुझे फोन किया था, तो बोले कि हमें तो सर अभी कह नहीं सकते कुछ भी, हमारा डिपार्टमेंट बस यही था आपके बारे में पूछना कि आप फ्री हैं कि नहीं। मैंने वहां फोन किया जिन्होंने कास्टिंग वाले ने पूछा था कि भैया क्या हुआ शूटिंग कल से, तो अभी तक बता देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये आपका ऑडिशन जो है ये वर्कआउट नहीं किया, तो हामिद आप नहीं कर पाएंगे और कभी आगे हम साथ में काम। ओ गॉड, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे दुख इस बात का नहीं था कि काम छूट गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा काम है और इस तरह का काम है, क्योंकि मैंने उनके साथ सर के साथ गंगूबाई की थी, पद्मावत की थी। इट्स अ हैट्रिक फॉर यू दिस हाँ, इट्स अ टाइम, हैट्रिक इट्स अ फॉर मी। हैट्रिक। तो मुझे नहीं पता था कि ये काम कितना बड़ा है। मुझे ये पता था कि ये काम वहां से आया तो मैं संजय सर से मिल पाऊंगा, अपने दिल की बात कह पाऊंगा, तो मेरा लालच सिर्फ इतना था। तो मुझे नहीं पता था किरदार कितना बड़ा है। मुझे ये था कि 2 दिन का किरदार होगा, 3 दिन का होगा, जैसे कि हर बार हो ही रहा था मेरे साथ। तो उसके बाद मैं सारी रात मुझे नींद नहीं आई ये सोच के कि संजय लीला भंसाली जी के पास मेरा ऑडिशन गया और वो फेल। मैं सारी रात सोया नहीं। सुबह मैं उठा तो सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, वो सब करता हूँ, वो सब मैंने किया ही नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं किया। मेरे रात से मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मेरा ऑडिशन संजय लीला भंसाली सर के पास जाके फेल, तो ये बहुत गलत हुआ है, ऑडिशन कैसे फेल हो सकता है। तो अपने ऊपर बहुत वो भी गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा क्यों, मैंने शायद जल्दी में कर दिया, शायद और तैयारी करनी चाहिए थी या मुझे टाइम मिलना चाहिए था, बहुत सारी चीजें मैं सोच रहा था। फिर मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता हूँ, तो मैं उनके पास बैठा, मैंने उनसे कहा कि प्रभु एक बात बताइए, पूरी दुनिया में चमत्कार करते हो आप, मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं सोचा आपने, और आप यकीन मानना मैं ये बात कर रहा हूं और एक फोन आता है कि हाय अनुज आज आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अभी तो मैं घर पे हूं, संजय सर आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप फिल्म सिटी आ सकते हैं? ओह माय गॉड, तो मैं फटाक से नहाया, फिल्म सिटी पहुंचा, मैं घर पे बोल के गया, मैं 2 घंटे में वापस आ गया मिलके, और मैं फिल्म सिटी पहुंचा, और जब मैं पहुंचता हूँ सर के सामने, सर की पूरी टीम खड़ी है वहां पर और सर बोलते हैं कि ही इज माई लक्की चार्म। वाओ। तो आपके तो और विश्वास सर ने की मेरा ऑडिशन, वजह सर ने मेरा ऑडिशन नहीं देखा था, सर ने ऑडिशन देखना भी नहीं चाहा। से। अच्छा, तो सर ने मुझे बोला कि एक किरदार है और मैं चाहता हूं तुम तैयार हो जाओ और आओ जल्दी से सेट, तो देखते हैं। शेर है ये किरदार, ये किसी की सुनता नहीं है, सब इसकी सुनते हैं। तो वाह, मैंने कहा कि ठीक है, इससे ज्यादा मुझे किरदार के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तैयार होकर सेट पे गया, सर ने कहा कि 5 मिनट है आपके पास, और वो 10 मिनट का मोनो मतलब 10 लाइनों का मोनोलॉग था। तो मुझे लगा कि मेरा ऑडिशन है, मैं तैयार होकर वो मोनोलॉग दिया, पहुंचा मैं सेट पे 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में ही वो पूरी स्क्रिप्ट याद की, पहुंचा, अभी किरदार के बारे में कुछ पता नहीं है, परफॉर्म किया, और जब मैंने परफॉर्म किया तो सर उसके बाद अंदर आते हैं सेट पे और बोलते हैं कि यही आपका मैजिक मुझे पसंद। वाह, और वो मेरे लिए ये था कि मतलब बहुत बड़ी बात थी।
मुझे एक ही दिन में लगातार दो कॉम्प्लीमेंट, वो भी इतने बड़े इतनी बड़ी यूनिट के बीच में। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा ऑडिशन शायद हो गया है, तो कि अभी रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आएगा। तो करीबन करीबन 2 ढाई घंटे बीत गए, ब्रेक हो गया था। और उसके बाद फिर मुझे सेट पे बुलाया गया, सेट पे बुलाया गया तो कि सर दोबारा से ये करते हैं। तो मुझे लगा शायद मेरे ऑडिशन में कुछ खामी रही है, सर को कुछ और चाहिए। अब तक मुझे कुछ पता नहीं था, सिर्फ यही जान रहा था कि मुझे जो करना है वो बड़ी मेहनत से करना। तो सर की एक पद्मावत के टाइम से मुझे मुझसे परिचित थी, पद्मावत और गंगूबाई के टाइम से डॉयल जो सर को एसोसिएट करती थी, तो वो आई और उसने आकर के दोनों हाथ ऐसे पकड़े और बोले कि सर हैट्रिक मुबारक हो। तब मुझे पता लगा कि मैं ये कर रहा हूं। तो इस तरह से कास्टिंग हुई थी। और उसके 2 दिन बाद मुझे पता लगा कि ये किरदार कोई साधारण किरदार नहीं है, बहुत बड़ा किरदार। तो मेरे को लगता है आप कभी लाइफ टाइम ये भूलने नहीं वाले हो, ये वाला पूरा जो अप्रोच जैसे आपको किया गया इन दिस होल प्रोसेस। हाँ बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। संजय लीला भंसाली जी का सेट कैसा होता है? आई मीन माहौल कैसा रहता है, सीरियस है या फिर मस्ती वो भी चलती रहती है? देखिए एक तो सबसे अद्भुत बात यह है कि हर कलाकार जो होता है ना, वो सबसे पहली चीज ये चाहता है कि वो जो परफॉर्म कर रहा है उसके लिए उसके पास माहौल होना चाहिए। तो जब आप संजय लीला भंसाली जी के सेट के अंदर घुसते हैं ना, गेट के अंदर, तो आप उसी एरा में उसी दुनिया में चले जाते हो जो किरदार आप कर रहे हो, क्योंकि वो पूरा सेट देखने में आपको लगता ही नहीं कि आप फिल्म सिटी में कहीं पे खड़े हैं, आपको लगता है नहीं आप मुंबई में कहीं पे हैं, आपको लगता है कि आप लाहौर आ गए हैं, आपको लगता है आप हीरा मंडी आ गए हैं, आपको लगता है जब आप गंगूबाई करते हैं तो आपको लगता है वाह आप तो वहीं आ गए, उन्हीं गलियों में उन्हीं मोहल्लों में। इतनी बारीकी से बना हुआ सेट होता है। और ऑफ कोर्स क्योंकि वहां पर संजय सर हैं, तो जो एक्शन और कट के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पे सबकी सांसें रुकी होती, क्योंकि वो निर्माण का समय होता है। और सर जब उस समय सबका फोकस बस वही होता है कि मतलब परफॉर्म क्या हो रहा है, कर क्या रहे हैं, तो काम के टाइम पे सिर्फ काम हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही सीन खत्म होता है उसके बाद सर सबके साथ मस्ती भी करते हैं और सब आपस में करते हैं और सबकी रिस्पेक्ट है वहां पे। सबसे बड़ी बात यह है कि सर के साथ जो मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि सर ने कभी किसी को बड़ा और किसी को छोटा समझा, वो सबको इक्वल समझा। तो डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन का उसमें रहता है कि एक्टर्स अपने हिसाब से अपनी लाइंस चेंज कर सकते हैं या फिर अपना जो थोड़ा गेटअप है वो ऐसा रहता है, फ्री है, फ्रीडम है? गेटअप को लेके तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो हम नहीं है कि जो सर ने सोचा वो तो हम नहीं सोच सकते। सर हमेशा हर एक्टर से, मतलब जैसे मैं पहले ही दिन गया जबकि मुझे लग रहा था कि मेरा ऑडिशन, तो तब भी सर ने लाइन जब मुझे सुनवाई कि ये लाइन्स हैं, और सर ने पूछा कि आपको कैसी लग रही है ये लाइन्स, तो आप कुछ चाहते हैं इसमें, आप कुछ बदलाव चाहते हैं, सर पूछते हैं। और हर सीन से पहले करीबन करीबन 1 से 1.5 घंटा सर टेबल पे साथ बैठते थे, पूरे सीन को सुनते थे, नॉर्मल सुनते थे, परफॉर्मेंस के साथ नहीं, नॉर्मल सुनते थे। और कोई कभी गुस्सा उन्होंने इस बात के लिए नहीं किया कि कोई एक्टर स्क्रिप्ट लेके बैठा है या कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा। वो पूरे माहौल में 1 घंटे तक वो बोलते थे कि तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कहीं कुछ चेंज चाहते हो, तुम्हें लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर ने कहीं भी किसी पर किसी तरह का दबाव रखा। तो ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हीरा मंडी को बनने में 14 साल लग गए। हाँ मैं क्योंकि उनके राइटर के पास बैठा हुआ था, मोइन बेग जी के पास, और उनसे मैंने काफी कुछ सुना इस विषय पर, तो 14 से भी ज्यादा ही साल लगे, करीबन करीबन 16-17 साल लगे हैं। 14 साल पहले तो सर ने साइन किया था, और आप सोचिए कि सर ने साइन करने के बाद 14 साल तक एक राइटर भी एक इंतजार कर रहा था। जब वो बार बार, वो बता रहे थे अपनी फिल्म की, जब वो बार बार अनाउंसमेंट सुनते थे कि अभी पद्मावत आ रही है, शायद अब अपनी अनाउंस हो जाएगी, अभी गंगूबाई आ रही है, शायद अभी अपनी अनाउंस हो जाएगी, आप समझ रहे हैं कि एक एक इंतजार चल रहा है लंबा एक राइटर का, और वो इंतजार उनकी तपस्या थी। और वो हीरा मंडी में रहे हैं बाकायदा, वो जाकर के उन्होंने समय बिताया वहां पर, उन्होंने वो सारी जो वहां की तवायफे थी, जो वहां का माहौल था, वो सारा देखा है उन्होंने, तो देख करके उन्होंने सोचा और संजय सर को बताया। तो मुझे लगता है कि एक तो संजय सर जैसा निर्देशक जो है, ऐसा निर्देशक पहली बात तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, वाह हाँ कोई भी नहीं है, सच है ये।
ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि वो हिंदुस्तान में है, वो इंडियन है और भारतीय सिनेमा बनाते हैं, ये हमारे लिए गर्व की, क्योंकि हम उतना, आप जब उनके सेट देखते हैं, हम एक आम आदमी उतना सोच भी नहीं पाते, बहुत कहीं भी नहीं सोच ग्रैंड पाते। एक्स्ट्रा वो हाँ, एक मतलब करते सोच हैं। से भी परे है, वो जो सोचते हैं वो सोच से ही परे, वो सोचते हैं जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, ये सच है, और मतलब मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो 14-15 साल तक वो विचार करते रहे कि मुझे जब बनाना है तो ऐसा बनाना है, इस तरह का बनाना है। और मोइन जी मुझे बता रहे थे कि जब वो पहली बार जब सेट पे पहुंचे, सर ने उनका बहुत स्वागत किया, जब वो पहली बार सेट पे पहुंचे, सब कलाकारों को बुला करके सर ने उनसे मिलवाया, तो मोइन जी मुझे बता रहे थे कि अनुज मेरी पूरी बॉडी जो है वो शिवर कर रही थी, मैं कांप रहा था, मुझे ऐसा एक पल के भी नहीं लगा कि मैं हीरा मंडी में नहीं। तो अच्छा, बिल्कुल रियल। मैंने मैंने सिर्फ ये बताया था कि हीरा मंडी ऐसी है, मैंने सिर्फ कागजों में लिखा और मैंने बताया हीरा मंडी ऐसी है। उन्होंने हीरा मंडी का निर्माण किया कि हीरा मंडी यही, तो उस चीज में उनको 14-15 साल। और आप देखिए जितने जितने बड़े निर्देशक हैं दुनिया के, चाहे आप जेम्स कैमरून 17 साल टाइटेनिक बनाने में लग गए थे, अवतार बनाने में लग गए थे, एवेटर, तो जितने बड़े दुनिया के निर्देशक हैं उनको समय लगता है, उनके हिस्से बहुत सारी फिल्में नहीं होती, बड़े डायरेक्टर्स कितने मास्टरपीसेस फिल्में बनाने में बनाते टाइम लगता है। हैं, मास्टरपीसेज बनाते हैं। मतलब आप देखिए जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके हिस्से में पूरी जिंदगी में 10-15 फिल्में आती हैं, इससे ज्यादा फिल्में नहीं आती। जी बिल्कुल। कि आपने गंगूबाई में आलिया भट्ट के साथ एंड पद्मावत में दीपिका के साथ, दोनों यू नो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड की, तो आपको क्या लगता है इनके अलावा और कोई ऐसी एक्ट्रेस है जो इनका रोल कर सकती हैं इनसे बेहतर, कोई ऐसी एक्ट्रेस? मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी का किरदार कर नहीं सकता, क्योंकि हर कोई अपने आप में जीता है, हर एक की अपनी यात्रा है। आप जो दीपिका जी हैं वो दीपिका जी हैं, जो आलिया जी हैं वो आलिया जी हैं। आप ये सोचिए कि उनकी मेहनत देखिए, हम कहने को हम सब ऐसी बातें चौराहे पे खड़े होकर के आपस में बैठ के कहीं कैफे में बैठ के बोल देते हैं कि यार उसको ब्रेक मिल गया, वो खानदानी थी, उसके परिवार में ऐसा था, उसको ब्रेक मिल गया, वो एक 5-स्टार ट्रीटमेंट में पली बनी है, उसके बाद वो हाईवे जैसी फिल्म करती, आप समझ रहे हैं, वो गंगूबाई करती है, जी तो इतना बेहतरीन अभिनय करती है वो, तो कितना जीते होंगे उन चीजों। तो मुझे लगता है कोई किसी की रिप्लेसमेंट हो ही नहीं, कोई भी नहीं। और कोई एक हीरा मंडी आपको एक बतानी होगी एक्ट्रेस जिनकी परफॉर्मेंस से आप खुद इंप्रेस हो गए थे, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हो, कोई एक एक्ट्रेस हीरा मंडी की? ये आपने उलझा दिया है मुझे। तो ये बहुत सारी हसीन है पर नाम अभी एक, ऋचा से और रीजन क्या है? उनका एक शॉर्ट देखा, क्योंकि मैंने अभी 2 ही एपिसोड देखे हैं सीरीज के, टाइम मिला नहीं है, मैंने एक शॉर्ट देखा उनका, उनको धुतकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है, वो शॉर्ट आप देखिएगा, तो वो ऋचा चड्ढा ने वो एक ही एपिसोड में आग लगा दी। तो मैं सच में बहुत इंस्पायर हुआ। और आप अपने फैंस को ओटीटी सजेशन क्या देंगे, क्या देंगे कि वो क्या देखें अब ओटीटी पर इस वीकेंड? हीरा मंडी सॉलिड रीजन फॉर वॉचिंग हीरा मंडी। देखिए, जितने आज के जो लोग हैं वो मुगले आजम के टाइम पे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ किस्से सुने हैं मुगले आजम के, कि मुगले आजम एक फिल्म थी, के आसिफ साहब ने एक फिल्म बनाई थी, तो आज हम साक्षी हो सकते हैं इतने सालों बाद एक अलग मुगले आजम के, जो मुझे पता है कि अगले काफी सालों तक रिपीट नहीं हो पाएगी, वो है हीरा। वाह।